बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम करंट अफेयर्स पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान स्टूडियो से मैं शौकत इशफाक आपसे मुखातिब हूँ। और इस वक्त हम पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टूडियोज़ में एक बहुत ही अहम प्रोग्राम जो एजुकेशन के हवाले से है वो करने जा रहे हैं, और ये इसमें काफ़ी सारे इबहाम हैं उनको दूर करने के लिए हमने अपने जो शोबे हैं उसमें जो बेहतरीन लोग हैं उनको यहाँ दावत दिए कि हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमें ये बताएं, और हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारा इबहाम पाया जा रहा है एजुकेशन के सिस्टम में कि कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनकी एक्रीडिएशन जो है वो HAC से वो मुश्किल उसमें हैं। और HAC ने एक अभी हुक्मनामा जारी किया है कि खसूसन कंप्यूटर डिग्री और नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन जो है उसके जितने भी डिसिप्लिन हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनकी एक्रीडिएशन होना ज़रूरी है। और ये बात भी इस हद तक बहुत दुरुस्त है कि क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब ये लोग बाहर जाते हैं तो उनके लिए वो जब उनकी डिग्री की कंफर्मेशन करते हैं तो HAC से ही करते हैं, जिस तरह बाकी दुनिया में और बाकी एजुकेशन के सिस्टम्स में होता है। और उसमें काफ़ी सारे इबहाम भी पैदा होते हैं, प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं, और उसमें हम आज मेहमानों से ये पूछेंगे कि भाई इसकी वजह यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं, या HAC है। आज हमारे पहले मेहमान इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर इमरान कुरैशी, ये साबिक डायरेक्टर हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के, ये NFC इंस्टीट्यूट जो है, नेशनल फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट जो है, ये भी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है। उनके साथ मोहतशिम तरीन हैं जो बेसिकली तजियाकार हैं, हमने उन्हें भी ये कहा कि हमें जो सिविल सोसाइटी इसके बारे में सोच रही है वो भी बताएँ। और इनके साथ हमारे साथ हैं डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी जनाब डॉक्टर गुलाम अली, डॉक्टर गुलाम अली साहब, जी डॉक्टर गुलाम अली साहब, और आप जो हैं इस वक्त मुल्तान कैंपस के डायरेक्टर हैं। तो इनके पास भी न सिर्फ कंप्यूटिंग स्टडीज़ और बाकी इससे रिलेटेड जितने भी डिग्रीज़ हैं उनकी स्टडीज़ यहाँ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब अगर हम आपसे कर लें तो आप ये बताइएगा सबसे पहले कि हमारी एजुकेशन पे जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें ये जो अभी हमने ये टॉपिक लिया उस पर ये अमल दरामद कैसे नहीं हो रहा, और यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन जो हैं वो जो डिग्री प्रोग्राम शुरू करते हैं वो उसकी एक्रीडिएशन क्यों नहीं हो पाती। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, आपने मुझे इनवाइट किया और एजुकेशन से रिलीवेंट एक बड़ा अहम टॉपिक जो है उस पर बात करने का मौका दिया। देखिए, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको हमारे यहाँ जो बॉडी रेगुलेट करती है फेडरल लेवल पे उसको हम कहते हैं HAC, हायर एजुकेशन कमीशन, और एक प्रोविंशियल लेवल पे भी आजकल तो काम कर रही है। चार PHAC तो के हो गए और एक वफाक का हो गया, चार में से शायद KPK में अभी उन्होंने नहीं बनाई थी, वो अभी फेडरल को ही ओबे कर रहे हैं, लेकिन इवन दो पंजाब में PHEC भी काम कर रही है और सिंध में भी ये काम कर रही है। तो ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटीज़ हैं उनको मेंटेन रखता है और ये एम्पावर करता है इंस्टीट्यूशंस को कि किस तरह वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे चले जाएं और उसके बाद जो कम्युनिटी है उसको सर्व करें या जो हमारे इश्यूज़ हैं उसको कॉमन इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करें। तो ये HAC जो है यही सारा कंट्रोल करती है इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को। हम कहते हैं ना जी हायर एजुकेशन है क्या, बेसिकली ये जो 12th ईयर एजुकेशन है इसके बाद जितनी भी एजुकेशन शुरू होती है इसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं और इसको टर्शरी एजुकेशन भी कहा जाता है। तो ये 6th लेवल की आती है, पाकिस्तान में जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है एजुकेशन का उसमें ये 6th लेवल की एजुकेशन है, इसको HAC रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटीज़ को। तो अब इसमें होता ये है कि इन्होंने अगर किसी ने भी कोई अपनी यूनिवर्सिटी बनानी है तो उसकी पूरी एक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वहाँ पे HAC ने अपने पास एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है। दोनों यूनिवर्सिटी में तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी भी और जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब भी वो यूनिवर्सिटी बनाने जाएंगे उससे पहले उनको पूरा वो फॉलो करना पड़ेगा HAC का जो क्राइटेरिया है, अगर वो उसमें फॉलो करेंगे उसको कह लें चार्टर उसके बाद आता है, पहले वो शख्स अप्लाई करेगा प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है कि मैंने ये यूनिवर्सिटी बनानी है,
उसके मुताबिक वो उसको चेक करेंगे और एक NOC इशू कर देंगे HEC के, ठीक है नाउ यू आर एलिजिबल टू मेक योर यूनिवर्सिटी। उसके बाद अब ये देखा जाएगा कि वो प्राइवेट सेक्टर में बनने जा रही है या पब्लिक सेक्टर में बनने जा रही है। नहीं तो ये आपका मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जिसको कहते हैं उसकी यूनिवर्सिटी बनेगी, उसके जो नॉर्म्स होंगे, कस्टम्स होंगे या जो उनके काम करने का तरीकाकार मुख्तलिफ होगा या सेम होगा? नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होगा। हाँ। काम का तरीकाकार बिल्कुल सेम होगा। जिस वक्त आप जाने लगे हैं, अब आपको NOC इशू हो गया, अब ये तय होगा कि इनको गवर्नमेंट का चार्टर लेना है या इनको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का चार्टर दिया जाएगा। चार्टर जो हैं वो मोर और लेस एक ही जैसे हैं, सिर्फ उनमें आप ये कह लें कि जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं और गवर्निंग बॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सिंडिकेट हैं, सेनेट्स हैं, एकेडमिक काउंसिल हैं, लेकिन उनके सिंडिकेट भी तो गवर्नमेंट फिक्स करती है ना। लेकिन उसमें डॉक्टर साहब जो अहम चीज़ है ना वो जिसको हम मेरे ख्याल में डॉक्टर गुलाम अली साहब से भी डिस्कस करेंगे, जिस वक्त आपको चार्टर अवार्ड हो जाता है तो उसमें हर चीज़ लिखी हुई होती है कि अब आपने यहाँ पे कोई एफिलिएशन दे सकते हैं, कोई सब कैंपसेस खोल सकते हैं, या आपके ज्यूरिसडिक्शन क्या है, या किन किन एरियाज में आप ये काम कर सकते हैं। दुरुस्त। हाँ, तो उसके बाद फिर हाँ यहाँ पे सिंडिकेट जो है वो आपका अगर कोई भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं या अपनी डिग्री बनाना चाहते हैं तो उसको अप्रूव कर देती है। पूरी ऑटोनॉमी होती है जी जी कि वो जो चाहे डिसिप्लिन शुरू करे, जो प्रोग्राम्स शुरू करे, जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना चाहे वो बना सकती है, अंडर ग्रेड लेकिन अंडर दैट चार्टर। जी जी, अंडर दैट चार्टर। जी हाँ, वो उसमें लिखा होता है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन भी लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, इनके चार्टर में बाद औकात ये लिखा होता है कि 10 साल तक ये किसी को एफिलिएट नहीं कर सकते, कोई अपना सब कैंपस ये नहीं बना सकते। तो बाद औकात ये फिर उसको वायलेट करते हैं, ये क्या करते हैं कि अभी 10 ईयर्स पूरे नहीं होते, यूनिवर्सिटी मेच्योर नहीं होती, और ये मुख्तलिफ कॉलेजेस को एफिलिएशन भी देने लग जाते हैं और अपने सब कैंपसेस भी बनाने लग जाते हैं। एफिलिएशन देने का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम, जो सब्जेक्ट आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसी लेवल का, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड का आप किसी कॉलेज को इख्तियार दे रहे हैं कि वहाँ पे उसको पढ़ाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ना एक इबहाम है, मैं ज़रा मोहतशम साहब डॉक्टर गुलाम अली साहब से ज़रा एक मिनट बात कर लूँ, क्योंकि आपका तजिया फिर इन दोनों जो ये टेक्नोक्रेट्स हैं इनके बाद आपके वो लेंगे। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह एयर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, बहुत बड़ी ये यूनिवर्सिटी है, हम इसे पब्लिक सेक्टर भी कह लें, प्राइवेट सेक्टर भी कह लें, मतलब दोनों मिक्स ही हैं ये। इसमें आप बताइएगा कि ये जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की है कि यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट जो है वो होता है, अब सबसे ज़्यादा जो जब चार्टर आप देते हैं तो उसमें लिखा होता है माहदे में या HEC के साथ कि भाई आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्निकल कौन सी एजुकेशन कर सकते हैं, सोशल साइंसेस कौन सी कर सकते हैं, और बाकी जिस तरह इंजीनियरिंग है, MBBS है, या सोशल साइंसेस की बाकी डिसिप्लिन हैं या अप्लाइड साइंस है। तो अब वो जब HSC के चार्टर के उसमें आपका सिंडिकेट कर देता है, लेकिन फिर उसके बाद उस डिग्री को तस्लीम करने के लिए जो एक्रीडिएशन है वो कैसे होती है? थैंक यू वेरी मच। आज का जो आपने ये प्रोग्राम रखा, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन एट द सेम टाइम। जैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ना, दो चीज़ें हैं, एक होती है अफिलिएशन, एक होती है एक्रीडेशन। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही। जब किसी इंस्टीट्यूट को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को HEC रिकॉग्नाइज कर लेता है तो इट मींस के वो HEC के साथ अफिलिएट, दैट इंस्टीट्यूट कैन ऑफर ए डिग्री प्रोग्राम। बिल्कुल दुरुस्त है, वो ऑफर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम HEC ने क्वालिटी को मेनटेन करने के लिए, एजुकेशन के लिए ना, जो एक्रीडेशन बॉडीज बनाई हैं डिफरेंट, बस उन कंप्यूटिंग में जो है नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एंड एक्रीडेशन काउंसिल है, जैसे PMDC है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटिंग काउंसिल, PEC है, इसी तरह बिल्कुल है। वो जो एक्रीडेशन काउंसिल्स हैं वो मॉनिटर करती हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स को, और हमें जो है ना इसको इस तरह देखना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, असल बात इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई ना। शानदार, सही किया आपने कि हमने कंप्यूटर अपनी एजुकेशन तो शुरू की, बट इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती आई कि हमने वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे थे। अब देखिए ना, हम जो भी IT ह्यूमन रिसोर्स जनरेट कर रहे हैं, वी आर ओनली एंगेजिंग 10% ऑफ दैट, तो जो 90% है वो किधर जा रहा है?
वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ग्रेजुएट्स और ह्यूमन रिसोर्स है। इसमें एक छोटा सा ज़िमनी सवाल मैं कर लूँ आपसे जी, इसकी वजह ये हो सकती है क्या कि हमारे पास इंस्ट्रक्टर या जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो बेसिकली टीचर जिसको कहें हम, वो नहीं है? यही तो इसका स्टैंडर्ड है, जो इसके कंट्रोल पॉइंट्स हैं ना, ये फैकल्टी का अप टू मार्क होना तो इसमें बहुत बड़ा रोल है उसका। ऐसा ही है, ऐसा ही मैं आपको बताऊं कि एक्रीडेशन जो है ना, ये प्रोसेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तमाम में इसको अंडरगो, जो इवेलुएट करते हैं उनके डिग्री प्रोग्राम में, उसमें जो सबसे पहले प्राइम होता है वो करिकुलम है कि क्या आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि करिकुलम HEC कहता है कि आपने हर 2-3 माह बाद रिवाइज करना है, उसको अपडेट करना है विद दी जो अप इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है अराउंड द ग्लोब। दूसरा उसमें कि फैकल्टी जो है ना, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ये दूसरा बड़ा क्राइटेरिया है उसमें। तीसरा है कि स्टूडेंट को आप क्या ऑफर कर रहे हैं, आई मीन के अगर हम कंप्यूटर इसी को देखें तो इसमें मशीन, जो कंप्यूटर इटसेल्फ एक मशीन है, उसका बहुत बड़ा रोल है। इसका मिनिमम है कि आपके पास 12th generation और कोर i7 टाइप कंप्यूटर होने चाहिए, जो इस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है। अगर मैं अपना बताऊं तो लास्ट 2 ईयर में मुझे 40 मिलियन रुपीज़ जस्ट ऑन मशीन। तो उसको फिर एक कंप्यूटर पे जितने आप इनटेक ले रहे हैं उसकी रेशो क्या है, क्या वो स्टूडेंट इतने हैं, आई मीन कि मेरे पास एक मशीन पड़ी है उस पर 20 स्टूडेंट हैं, तो उस पर तो बारी नहीं आती स्टूडेंट की उसको लर्न करने। कंप्यूटर में थ्योरेटिकल होने के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो स्किल्स होना ज़रूरी है। अभी इंडस्ट्री से इंटरेक्ट जब भी मैं करता हूँ तो दे कम विद के जी, जो स्टूडेंट आते हैं वो थ्योरेटिकल तो बात बता देते हैं, जब वही बात हम उनको इंप्लीमेंट करने की मशीन पे कहते हैं तो दे कुड नॉट इंप्लीमेंट। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की है, बल्कि मैं अगर मोहतशिम साहब की तरफ आऊँ, इजाज़त दें मुझे, तो मैंने आपसे एक सवाल लाजमी करना है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई। ठीक है ना मोहतशिम, आप बताइएगा कि ये दोनों साहबान ने बात की है, तो क्या इसमें जो यूनिवर्सिटीज चार्टर लेके बैठी हुई हैं वो मनमानी कर रही हैं, या जो डॉक्टर साहब ने निशानदेही की उसकी वो वजह है, या आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो इस दुनिया पूरी जो है वो एक उस सिस्टम पे जा रही है, उस एजुकेशन पे जा रही है, हम वहाँ 10% भी नहीं है? बहुत शुक्रिया अशोक साहब। मेरे हिसाब से ना सर, हमारा सिस्टम का फ्लॉज है और इसको मेरे ख्याल में कोई प्रॉपर कोई स्पेशलाइज्ड बंदा ही इसको एड्रेस कर, स्पेशलाइज्ड बंदा नहीं बना रहा ना सर। आप देखेंगे तो कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड बंदा हो जो इस सिस्टम को बनाए कि ये कंप्यूटर की जो तालीम है वो कैसे होनी चाहिए। ठीक है, आप सर देखें, बेसिक मैं अगर एक सिंपल सी एक एग्जांपल के थ्रू कोशिश करूंगा कि ये क्लैरिफाई हो सके। मैंने जीरो से शुरू किया है, मेरी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैंने रिकॉग्नाइज करवानी है, चार्टर करवाना है गवर्नमेंट से, मैंने जीरो से चलना है, मैंने 100 पॉइंट्स तक जाना है और मुझे HEC गाइड करेगा कि जी आपने क्या करना है, आपने क्लासरूम्स कैसे बनाने हैं, आपने लैब कैसे बनानी है, आपने लाइब्रेरी कैसे बनानी है, आपने करिकुलम कैसे बनाना है, आपने फैकल्टी कैसे रखनी है और फैकल्टी का कैलिबर कैसे होगा। ठीक, और ये सारा कुछ करने के लिए मुझे HEC ने एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी तब मेंटेन हो सकेगा अगर आप ये 100 स्टेप्स करेंगे। मैंने 100 स्टेप्स कर लिए, फैकल्टी भी मैंने उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक रख ली, करिकुलम भी मैंने उसके मुताबिक बना दिया, कोर्स आउटलाइन भी बन गई, मेरे वीक्स के टाइम टेबल्स डेली का हो गया, मैंने कितना रिसर्च वर्क करना है, मैंने कितना फील्ड वर्क करना है, तो सारा कुछ हो गया। उसके बाद मेरा जब स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होके डिग्री ले लेता है तो एक और इदारा उठता है, वो कहते हैं कि जी आपकी तो क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है, आपकी डिग्री क्वालिफाइड नहीं है, आपने स्टैंडर्ड मीट नहीं किया। ये बात इसमें कसूरवार कौन है? आप मोहतशिम साहब खुद भी तो पढ़ाते पढ़ाते भी हैं। मैं इसीलिए तो मैं इशारा उस्ताद हैं जी, मैं इसीलिए तो इसे इशारा करूं सर। बेसिकली हमने इसको आप कह लेंगे कि जी समहाउ इसमें स्पेशलाइज बंदे नहीं एंटर किए गए और इसको बेसिकली बहुत बड़ा माफिया इसको हैंडल कर रहा है। और अच्छा यही बात ना, हम जरा डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं, जी जी, मतलब हम यहाँ मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि हमने फिक्सेशन नहीं करना, हमने सिर्फ एक चीज जो है वो लाइट उसमें लेनी है
अपने जो नाजरीन हैं और जो जाहिर है हमें ये जो मैसेज देना है कि उसमें जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज क्या हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 14 एक्रेडिटेशन काउंसिल काम कर रही है। अच्छा, हाँ, जरा ये थोड़ा इस पे रोशनी डालिएगा। इनमें से जो 6 हैं इंजीनियरिंग का अलग है, मैं बता रहा हूँ, इनमें से जो 6 हैं वो काम कर रही हैं अंडर HEC एक्ट। ठीक है, HEC जो है उसके एक्ट में भी ये प्रोविजन है कि वो अपनी कोई काउंसिल एक्रेडिटेशन बना सकता है, जैसे बिजनेस काउंसिल है, एग्री काउंसिल है, नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल है, ये सारी जो है वो HEC ने बनाई हुई है और वो HEC के अंडर का है। मेडिकल इंजीनियरिंग जो है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द 9 एक्रेडिटेशन काउंसिल हैं वो पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनी हुई है, जिसमें ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, PCAT-P है। तो वो फिर HEC को क्यों नहीं फॉलो कर रहे? वो भी फॉलो कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है ये सिर्फ प्रोग्राम लेवल पे काम करती हैं, ये किसी इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज नहीं करती, किसी यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करती। यूनिवर्सिटीज़ की रिकॉग्निशन जो है, ऑथराइजेशन जो है, वो HEC करती है। इसके अंदर जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं, जो मैंने अभी आपको नाम लिया है, वो इन प्रोग्राम्स को लुक आफ्टर करती हैं। ठीक है, तो होता ये है कि यूनिवर्सिटीज़ तो रिकॉग्नाइज है, ऑथराइज भी है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्राम चल रहा था, अगर उसने किसी वजह से मिनिमम क्राइटेरिया उस एक्रेडिटेशन काउंसिल का मीट नहीं किया, तो वो एक्रेडिटेशन काउंसिल उस प्रोग्राम को वहाँ पर रोक देगी या उनको वो मना कर देगी। अब होता ही है कि यूनिवर्सिटी उसको लेके चलती रहती है, जब वो लेके चलती रहती है, 4 साल गुजर जाते हैं, बच्चे की डिग्री आ जाती है, और जब बच्चा HEC में जाता है तो वो कहते हैं कि जी ये तो आपकी एक्रेडिटेशन काउंसिल ने इसको अलाउ ही नहीं किया हुआ। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी ये तो यूनिवर्सिटी। मैं अभी आपकी तरफ आ रहा हूं डॉक्टर साहब के पास। जी डॉक्टर साहब, जैसे मेरे कोलीग ने फरमाया ना कि एक एजेंसी उठती है, अदारा उठता है, वो कहता है कि जी आपकी डिग्री तो वेरीफाइबल नहीं है। ऐसा नहीं है, ये जब डॉक्टर साहब ये हुआ है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं इस रेफरेंस में बताता हूँ कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं। HEC ने NOC तो दे दिया, बट वो साथ लेटर एक लिखते हैं, साथ में उसमें मेंशन होता है कि अगर आपने कंप्यूटिंग वगैरह, हम आज तो हम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो उसको स्टार्ट करना है तो यू हैव टू गो थ्रू द 0 विजिट। जब भी आपने कंप्यूटर की डिग्री किसी इंस्टीट्यूट में शुरू करनी है, तो आपने नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल को लिखना होता है, अप्लाई करना होता है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस डिग्री इन माय इंस्टीट्यूट, तो जी आप 0 विजिट एक्सपर्ट्स आए मेरे पास, फैसिलिटी चेक करें। वो जीरो विजिट के लिए उसको 0 विजिट डिक्लेयर किया जाता है कि इनटेक मैंने 10, 20, 50 स्टूडेंट का ले लिया है, मेरे पास जो आपने क्राइटेरिया सेट किया था कि जी इतनी मशीन होनी चाहिए, इतनी स्पेस होनी चाहिए पर स्टूडेंट, इतने कंप्यूटर होनी चाहिए, इस लेवल की फैकल्टी होनी चाहिए, आए जी आप विजिट करें तो मैं मुझे जो है ना अलाउ करें। वो आते हैं एट द सेम टाइम, वो बाद में नहीं आते, आपकी समझता हूं, बिल्कुल वो आते हैं, आपको अलाउ करते हैं या आपको डिसअलाउ करते हैं, पूरा विजिट होता है उनका, एक वफद आता है। हां जी बिल्कुल, वो आई मीन यू कैन से द ऑडिटर आते हैं उनकी तरफ से, ऑडिटर वो ऑडिट करते हैं, वो आपको अलाउ करते हैं, देन वो लेटर नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल से आ जाता है कि जी आप क्वालिफाई करते हैं डिग्री स्टार्ट करने के लिए, यू कैन स्टार्ट इट। उसके बाद वो फिर आते हैं, बाद में ना रेगुलर आते रहते हैं, जब वो आपको फॉर्मली आपके उस बैच को पर्टिकुलरली जो निकल रहा होता है ना उसको, इवन दे इंटरव्यू द स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। आपकी बात मैं बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये तो है, वो कहते हैं कि जिस तरह लिखा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस, या मतलब जो लॉ है, लेकिन उसमें एक डॉक्टर साहब जो मेरी गुजारिश है ना, देखें ये चीज़ें तो लिखी हुई आपने मुझे दी भी हैं, अच्छा मैं इसको पढ़ूंगा अभी सही, अच्छा थोड़ा बहुत मतलब जो एवरीडे साइंस होती है उसमें भी थोड़ा बहुत पता लगता रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक अहम जो बात है जो आपने की कि उसमें कदगन लगा दी कि आपको 40 सीट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स आप पर एनम, ठीक है ना, उसको बना सकते हैं, या पर 3 ईयर्स पर जितने साल का वो प्रोग्राम होगा, BS का है या वट एवर इंजीनियरिंग का है ये। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर की भी हैं, मैं आप दोनों से, ये मेरा सवाल है, मैं दोनों से लूँगा और आपसे भी मोहतरम साहब इस पर इनपुट कर दूँ ना। अच्छा, उसमें क्या होता है, होता ये है कि जिसके ऊपर स्टूडेंट्स ज़्यादा पड़ेगा, जिस डिसिप्लिन के ऊपर, वो कहेगा कि जी ठीक है अभी इसकी मांग है मार्केट में, तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो HEC का जो चार्टर होता है, रेगुलेशन होती हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उसको वो पीछे छोड़ देते हैं और उसके अंदर 40 की जगह 200 स्टूडेंट जो है वो एंटर कर लेते हैं। इस पे ज़रा मुझे बताइएगा क्यों करते हैं, मैं और फिर उसमें HEC क्या रोल प्ले करता है। मैं आपको बताता हूँ,
ये बिल्कुल ऐसे ही और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो ये कर रही हैं, इस पे तो कुछ नहीं, नहीं इवन गवर्नमेंट, यू कैन लुक एट द गवर्नमेंट, उनकी वेबसाइट पे जाएं ना, नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल में, तो बड़ा क्लियर हो जाता है. अब मैं एक मैं क्लियर कर दूं कि एयर यूनिवर्सिटी एज ए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बहुत सारे लोगों के माइंड में है कि ये जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नेवर, फेडरली चार्टर्ड है, सॉरी, तो ये पब्लिक सेक्टर है. एनीवे मैंने इसलिए गुंजाइश छोड़ दी. एनीवे अब मैं इस वो जब स्टूडेंट का इनटेक है तो ये सारी चीज़ें वो देख के डिसाइड कर दें. मीन कि मेरे पास मैं आपको एग्जांपल अपनी बताता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में मुझे 50 की अलाउ था, बट अगर नेक्स्ट 50 लेने के लिए आई हैव टू ऐड द फैसिलिटीज. यस, मुझे टीचर टू टीचर बोथ फैकल्टी, क्योंकि उसमें क्लियरली जो आपने बताया कि इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ है सारी चीजें क्लियरली मेंशन होता है कि कितने आपने टीचर रखने होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट टीचर रेशियो देखी जाती है, स्टूडेंट कंप्यूटर रेशियो देखी जाती है, स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो देखी जाती है, स्टूडेंट लैब रेशियो देखी जाती है, ये सारी चीजें और अदर जो अलाइड फैसिलिटीज एक स्टूडेंट को एक किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वो भी देखी जाती है. रही बात कि क्यों नहीं हो पा रहा ना, देखिए वो एक्रीडेशन एजेंसी और HEC पिछले एक साल से ये न्यूज़पेपर में भी कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी, दे आर राइटिंग लेटर टू यूनिवर्सिटीज. पिछले वीक एक मेरे पास लेटर आया है जो उन्होंने बिल्कुल डेडलाइन दे दी है कि 31 अगस्त के बाद हम डिग्री वेरीफाई नहीं करेंगे, और उसके साथ ये भी लिखा है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में भी हायरिंग करनी है टीचर्स की, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उन इंस्टीट्यूशन के पढ़े हुए. लेकिन वो भी तो प्रोग्राम जारी है ना. नहीं देखें, आप देखें ना, ये मेरा कसूर है, अगर मैं नहीं कर रहा ना तो एज ए हेड मेरा कसूर है. डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात देखें, मैं आपकी बात समय, मेरे ख्याल में हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो भी समझे होंगे जो आप बात कहना चाह रहे हैं. बात ये है कि ओवर एंड अबव कैसे जाता है मोहतशम साहब. अगेन जो है ना जी, हमारा सिस्टम की मॉनिटरिंग नहीं है सर. आप एक ही चीज़ को बेसिकली, हमारा सिंगल लाइन ऑब्जेक्टिव है वो है ये कि हमने क्वालिटी एजुकेशन ऑब्जर्व करनी है, मेंटेन करनी है. उसके लिए आप 10 डिपार्टमेंट बना लें, बनाते जाएं, 20 बना लें. अभी एक ही यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए 10 डिफरेंट कॉरपोरेशन से या कमेटी से वो कॉन्टेक्ट करती है. आप आएँ जी, ये मेरी क्वालिटी एजुकेशन, इसकी चेक करें. एक कमेटी से दूसरी कमेटी को कहती है कि जी आप आएँ जी, ये मेरा डिसिप्लिन चेक करें. तीसरी को आके कहती है ये डिसिप्लिन मेरा चेक करें. तो आप क्यों नहीं ईज की तरफ जाते. अभी एक स्टूडेंट्स ने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो HEC ने कर दिया, वो अभी आप आज की बात करें, आप अगर पिछले कुछ टेन्योर में चले जाएँ, किसी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग उठा के ले लें, इंजीनियर की डिग्री लेता है, वो डिग्री जाता है HEC के पास, HEC कहती है कि जी ओके जी वेरीफाई कर रहा है. उसके बाद वो प्राइवेट किसी फर्म में जाते हैं, वो कहते हैं कि जब PEC से करा के आए, PEC के पास जाते हैं, नहीं हम तो नहीं करते. नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, ऐसा है जैसे आप PEC की बात कर रहे हैं ना, ये एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है, मैंने आपको बताया था कि ये प्रोग्राम को एक्रेडिट कर देती है और वो प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है. जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रही और मीट नहीं कर रही होती, वो इस प्रोग्राम को एक्रेडिटेशन काउंसिल अपने तौर पे ब्लॉक कर देती है, रोक देती है. मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम चलता रहता है और जब वो 4 साल पूरे हो जाते हैं तो बच्चा जब डिग्री लेके जाता है तो वो कहते हैं कि जी ये तो एक्रेडिटेशन काउंसिल ने इसको आपके प्रोग्राम बंद किया हुआ था. हुआ ये था कि एक्रेडिटेशन काउंसिल और HEC आपस में ऑन बोर्ड नहीं थे. इन्होंने प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया एक्रेडिटेशन काउंसिल ने, लेकिन HEC को इन्फॉर्म नहीं किया या ऑन बोर्ड नहीं थे, जिसकी वजह से उनके पास वो चलता रहा. 2 साल का गैप आ गया. अब 2 साल में 2 बैच निकल के गए तो वो वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी एक्रेडिटेशन काउंसिल इसको ऑन बोर्ड. लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है. अब ऐसा है कि PEC जो है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और जितनी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, ये जब भी किसी प्रोग्राम को डी एक्रेडिटेट करती हैं, साथ ही HEC को इन्फॉर्म कर देती हैं कि इस प्रोग्राम को हमने, इस बैच को डी एक्रेडिटेट कर दिया है. आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भी बता दें, अगर इस बैच में से कोई बच्चा हमारे पास डिग्री लेके आएगा तो हम उसको वेरीफाई नहीं करेंगे जब तक कि ये री एक्रेडिट नहीं होगा. तो ये क्योंकि अब ये ऑन बोर्ड हो गए तो अब ये थोड़े से प्रॉब्लम हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज हो जाएं. अदरवाइज़ ये कोई इनका कोऑर्डिनेशन नहीं था जिसकी वजह से मार्केट में फसाद फैला हुआ था सारा. अच्छा, आप एक इनपुट पुट देना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल जो है मोहतशम साहब आपसे भी वो उसी जगह है कि बात तो सारी आप भी वही बात कर रहे हैं, डॉक्टर ताहिर साहब भी वही बात कर रहे हैं, मोहतशम साहब भी उसी बात को कर रहे हैं. थोड़ा मतलब उसका मतलब थोड़ा अल्फाज मुख्तलिफ होंगे. बात हुई है मोहतशम साहब,
कि जाहिर है अगर HFC ने ये ऑर्डर जारी किया है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की, बल्कि आपसे भी इससे भी ये बात करेंगे कि डेफिशिएंसीज हैं, और अगर डेफिशिएंसीज हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, देखें एक तरफ है HEC, एक तरफ है आपकी PEC इंजीनियरिंग काउंसिल हो गई, आपका इंस्टीट्यूशंस का हेड किधर है? वो VC किधर है? वो इसी कम्युनिटी का है ना सर, वो स्पेशलाइज्ड है, वो कितने बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहा है, और उस चलो उसको भी VC को भी छोड़ दे, उस फैकल्टी में जो 30-40 टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो किधर हैं? अच्छा उन टीचर्स वो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं? फॉरेन पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं, PhDs भी होते हैं, वो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं? में वो PhD की डिग्री लेके आते हैं, वहां से वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं, जहां का तालीमी निजाम इंतहाई मुख्तलिफ है। देखिए टीचर के लिए डिग्री बनना कोई ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, देखें कई अब देखें जिस तरह लम्स है एक यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर की, डॉक्टर साहब जरा आप भी इस पे गौर कीजिएगा, इस पे मैं आपकी इनपुट लाजमी दूंगा लूंगा, बल्कि ये है कि वहाँ सोशल साइंसेज में स्पेशली और बाकी उसमें भी डिसिप्लिन्स में ऐसा है कि आप अपनी डिग्री खुद बनाते हैं, 2-3-4-5 सब्जेक्ट पढ़ के, 2 सब्जेक्ट से लेके तो 5-10-12 सब्जेक्ट भी आप कर लें आपकी डिग्री बने, ठीक है ना, लेकिन उसका भी तो कोई ना कोई सिस्टम होगा ना, तो हमें ये इस सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? देखिए कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं कि जिनको प्रोफेशनल बॉडीज़ करती हैं एक्रीडेट, और कुछ ऐसे हैं कि जो अभी भी किसी बॉडी के अंडर नहीं हैं, वो तमाम HEC ही उसको देख रहा होता है, और यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी इतनी है कि वो अपना भी कोई नया प्रोग्राम जिसको हम टेलर मेड कहते हैं बना सकते हैं। जैसे अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके जो साथ है नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, इन्होंने 2 साल पहले एक प्रोग्राम शुरू किया था एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अब ये बिल्कुल नया प्रोग्राम है, ये HEC का जो वो PQR है पाकिस्तान क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड, उसमें ये दर्ज नहीं था, तो जो भी नया प्रोग्राम सिंडिकेट अप्रूव करती है वो PQR में रजिस्टर कराना पड़ता है, अगर वहाँ वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर इससे रेलिवेंट जो भी डिग्री लेके जाएगा वो HEC को, उस पर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हमारे यहाँ होता यही है कि बाद अवकात हम नया प्रोग्राम बना लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं जो पहले से वहाँ पर मौजूद नहीं होता है HEC के क्वालिफिकेशन रजिस्टर में, और उसको वहाँ पे हम रिकॉग्नाइज भी नहीं कराते, उसमें रजिस्टर भी नहीं कराते, और 4 साल बाद जब बच्चा डिग्री लेके जाता है तो वो वेबसाइट खोल कर देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, और उसमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम जो था वो PQR में शामिल ही नहीं था, तो ये यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी डेफिशिएंसीज हैं। अच्छा अब मैं ना डॉक्टर साहब आपको एक मैं गुजारिश करता हूँ, देखें एक हमने इसकी जो प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये जो इन्होंने खत निकाला या ये जो इन्होंने पाबंद किया, तो मेरा जाती ख्याल ये है, मेरे ख्याल में शायद आप भी एग्री करें, और मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से तीनों साहबान से कि ये एक मस्बत कदम है आपकी तालीम जो हायर एजुकेशन है उसमें, और फिर उस हायर के एजुकेशन की जो डिग्री है वो वर्ल्ड लेवल पे उसको रिकग्नाइज करने के लिए एक बेहतरीन मेरे ख्याल में एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी चाहिए डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखिए ना कि इसमें 2 स्टेक होल्डर हैं बल्कि 3 हैं इस सारे प्रोग्राम का, अगर देखे जाए एक HEC है जी, एक कंप्यूटिंग काउंसिल है, एक यूनिवर्सिटी है, इन तीनों को एक पेज पे होना, ऑब्जेक्टिव सेम पे होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए ये क्यों मैंने आते ये कहा है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश है, इसका पर्पस क्या है, मैं 3-4-5 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इसका पर्पस क्या है, फिर मैं आपको जी 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 बताइएगा। एक तो इसका सब इसको तो मुख्तसर करके बता दीजिएगा ताकि मुख्तसर प्राइम ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी बुलेट पॉइंट है क्वालिटी एश्योरेंस जी जी। सबसे दूसरा है कि इंडस्ट्री रिकग्निशन को जो लोकल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री है इस सेक्टर की वो रिकग्नाइज करती है। तीसरा पॉइंट ये होता है ट्रांसफरबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स, मसलन अगर सेम चीज़ें तमाम इंस्टीट्यूट में इंप्लीमेंट हो रही है, एक बच्चा यहाँ से इस्लामाबाद जाना जाता है इजिली ही आर शी कैन ट्रांसफ़र। चौथा है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन इसमें आ रही है ये एक्रीडेशन में। चौथा है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जब उनके ऑडिटर आते रहते हैं और कंट्रोल पॉइंट चेक करते रहते हैं, इट मीन्स कि हम बाई फोर्स हमें करना पड़ता है एज ए इंस्टीट्यूशन के वो करेंगे तब वो करेंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। छठा इसमें है कि एक जब भी कंप्यूटर का बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तो उसको बहुत सारे लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, खुद भी है वो एज ए
लाइसेंस होल्डर हो जाता है, प्रोफेशनल लाइसेंस और सर्टिफिकेट वो उसके लिए इजी एक्सेस हो जाती है, और इसमें स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बड़ा बिल्ड होता है कि क्योंकि उसने अप टू मार्क जो फैकल्टी है उससे पढ़ा है और अप टू मार्क मशीन्स में मैंने प्रैक्टिस की है, तो मैं कि एक आउटडेटेड मशीनरी पड़ी है उसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे मुझे तो पता नहीं चलेगा कि आप ये क्या हो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही। दूसरा जो आपका सवाल है ना कि क्यों नहीं हो रहा, इसमें मैं समझता हूँ कि देखिए उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया HEC ने, कंप्यूटिंग का उसने। मेरा एक सवाल जो है ना डॉक्टर साहब बदल गया है। जी जी, मैं पहले कह रहा था क्यों नहीं हो रहा, तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये होना चाहिए तो उसकी पॉजिटिव क्या निकलेंगी। मैं देखिए ना इसका सबसे हमारा दुनिया में इंपैक्ट एजुकेशन का क्या जाएगा। मैं और दुनिया को तो बाद है, पाकिस्तान के अंदर जब आपके पास भी कोई टीचर पढ़ाने के लिए आता है तो आप उसके सारे जो हैं वो सर्टिफिकेट और डिग्रीज और सारा देखते हैं। बिल्कुल, टीचर का उसमें देखिए टीचर जब हम हायर करते हैं ना उसके मुताबिक करते हैं, वो कोई इशू नहीं होता। इशू होता है कि इसके बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं जिनको देखना पड़ता है, और वो सारे कंट्रोल पॉइंट्स रिवॉल्व करते हैं क्वालिटी के इर्द गिर्द। देखिए मैंने पहले आपको बताया कि हमारी 10% एंगेजमेंट है इसकी IT ह्यूमन रिसोर्स, बल्कि ये भी शायद 10% भी ना हो। ठीक है, ये डेटा बता रहा है ना पाकिस्तान का, अगर बाकी 90 के देखिए एक अगर आप ग्रेजुएट को अगर वो उसमें ना जाएगा ना तो वो अनस्किल्ड लेबर में आएगा, वो कहीं एंगेज हो सकता है, और जो ग्रेजुएट हो जाता है वो अपने आप को फील करता है कि मैं तो स्किल्ड लेबर हूँ, बट इंडस्ट्री या मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसका मतलब है कि हम अपने रिसोर्स को ज़ाया कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर रोल आता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, उनको उसी के मुताबिक जो है ना अपने स्टैंडर्ड को सेट करें और बच्चों और पेरेंट्स को परेशान ना करें। इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, जस्ट टू एंगेज द ह्यूमन रिसोर्स और जो कैपिटल है उसको एंगेज करने की ज़रूरत है, एंड यू विल गेट द एक्रीडेशन फ्रॉम द एक्रीडेशन बॉडी। ये बहुत अच्छी बात की है आपने मोहतशम साहब। सर ये मैं सेकंड करता हूँ आप, आप कह रहे थे कोई बात आप भी इनपुट डालना चाह रहे थे। मैं सेकंड करना चाहता हूँ कि जी HEC एक्रीडेशन काउंसिल और इंस्टीट्यूशन जो है ना ये तीनों को मिलके बैठना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जी मैं अच्छा, आपका क्या ख्याल है पहले कभी मिलके नहीं बैठे? नहीं सर, ये क्लैशेज इस वजह से थे ना। अभी मैं जो कसूरवार समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन है इसको बेसिकली बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और ये HEC के डंडा मारने का इंतजार ना करे और एक्रीडिटेशन काउंसिल के भी विजिट का इंतजार ना करे कि वो आएगा मुझे बताएगा कि जी आपने ये करना है। मेरा ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जो चार्टर है जो लिख के उन्होंने दिया हुआ है या जो डिसिप्लिन उन्होंने बनाया है तो उसको रोंदे ना, वो जो उनका जो सिंडिकेट है उसे बार बार उसको तब्दीली ना करवाएं। सर क्योंकि दो डिसिप्लिन ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिसमें वो कहते हैं कि जी इनसे ब्लंडर तो ब्लंडर, छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दो डिसिप्लिन, एक डॉक्टर का है और एक टीचर का है। अगर आप इसमें दोनों डिसिप्लिन, क्योंकि आप पूरी नस्ल खराब होगी ना जी, उसकी पूरा करियर बर्बाद हो गया ना आपके छोटे से मिस्टेक की वजह से। तो छोटी मिस्टेक तो नहीं है सर, छोटी मिस्टेक है ना इनके लिए, तो इसलिए तो बार बार कर रहे हैं आप। सर बड़ी मिस्टेक होती तो ना करते। एक बच्चा पढ़ के आता है सर, आप VC और PIT फॉरन क्वालिफाइड, वो कैसी ये गलती कर रहा है, वो बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो ये छोटी सी गलती उसके लिए है ना सर। अगर बड़ी हो तो वो बहुत सारी दफा सोचेगा। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ इनका कि ये फैकल्टी की गलती नहीं होती। फैकल्टी जो है ना, मसलन अब मैंने एक अप टू मार्क फैकल्टी ले ली है ना, अब उसमें आते हैं कि स्टूडेंट, फर्ज करो स्टूडेंट टीचर रेशो भी मैंने पूरी कर ली है, लेकिन अगर मेरे पास स्टूडेंट कंप्यूटर रेशो उनकी स्पेस पूरी नहीं है तो फिर भी आप वो एग्रीडेशन नहीं होगी ना। नहीं होगी तो वो टीचर रिएक्ट करे ना सर, वो आके उस VC के कमरे में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाके वो कहे। ये देखें मेरी बात सुने, फिर हम बहुत डी ट्रैक हो जाएंगे। देखें सर अपने बच्चे की एजुकेशन कैसे कंप्रोमाइज। मैंने मोहतशम साहब आपसे गुजारिश की, बल्कि ओवरऑल ये गुजारिश थी हमारे यहाँ थोड़ा सा हमें खुद भी हम तवक्को करते हैं, इंतजार करते हैं कि जो हमारी जो मॉनिटरिंग बॉडी है या हमारी जो डिसिप्लिन जो ऐसी कमेटी है या कोई ऊपर जो बैठा जिसको हम समझते हैं, हम ऊपर वाला भी सिस्टम गलत है ना बेसिकली, तो यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर ही ऊपर वाला है। ठीक है ना, जो टीच कर रहा है जो पढ़ा रहा है, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई हमें कहे तो हम बाकी चीज़ों पे जाएं। भाई हमारे पास सारी चीज़ें डिसिप्लिन लिखा हुआ है, हम उसको फॉलो तो करें डॉक्टर साहब। ये थोड़ा सा ये है कि यूनिवर्सिटीज क्योंकि फाइनेंशियली इतनी सस्टेनेबल आजकल नहीं है,
उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो अपना फाइनेंस खुद जनरेट करें, तो उसमें फिर होता ये है कि ये तो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, इन टेक लेते हुए ये लोग फिर अपना जो मेरिट क्राइटेरिया है उसको कम्प्रोमाइज़ करते हैं और लो मेरिट वाले बच्चे जो हैं वो भी उसमें ले लेते हैं, और जो मिनिमम क्राइटेरिया में आ रहा होता है 50 की जगह 100 कर लिए, 100 की जगह 150 कर लिए, इस तरह करके ये एक पूरा बैच बना लेते हैं। अब उसमें होता ये है कि ये लो क्वालिटी का बच्चा जो है जिस वक्त मार्केट में जाएगा तो इसके 3-4 इशू पैदा होंगे। पहला तो ये होगा कि लो क्वालिटी एजुकेशन वाला बच्चा जो है वो उसकी एम्प्लॉयमेंट का इशू होगा, जो पढ़ लिख के बच्चा जाएगा वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, लेकिन इनफैक्ट काम उल्टा हो रहा होता है, ये लो क्वालिटी एजुकेशन बच्चा है जो अनएम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रहा होता है क्योंकि इसको जॉब नहीं मिल रही होती, नंबर वन। नंबर टू फिर होता ये है कि ये मार्केट में जिस वक्त जाते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब मार्केट में जो हमारे पास कह लें कि स्पेशलाइज लोग हैं उनकी लो परफॉर्मेंस होगी। और तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि मार्केट में जो इनोवेशन है, रिसर्च है, क्रिएशन है, उसका फुकदान हो जाएगा। जैसे आजकल हमारे यहाँ आप देख लें मार्केट में, ये सब लो क्वालिटी की वजह से। तो एक्रेडिटेशन काउंसिल तो पूरी कोशिश कर रही है, मेरी बात सुने, यूनिवर्सिटीज थोड़ा सा रिलैक्स ले लेती हैं। आपने बहुत अच्छी निशानदेही की, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी निशानदेही की, लेकिन गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया में ये ऐसा होता है, स्टूडेंट्स में और लोगों में और पूरी दुनिया में, आप देख लेना कि हर बंदा जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन का हेड तो नहीं बनता, वाइस चांसलर टीचर भी अगर बनेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनेगा, सारे तो नहीं बनते ना, उनमें से फ्यू होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है। ये इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर है कि स्टूडेंट जिसमें कैपेबिलिटी होती है, एक्सेप्टेबिलिटी होती है, उसमें उसमें तरक्की करने का एक मतलब दिमाग होता है, जज्बा होता है, सारा कुछ है, वो सब आगे जाता है। इसमें सर मैं बताऊँ ना, थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपनी अटोनॉमी को मिसयूज़ करते हुए भी असल चीज़ है, तो वो हाँ पहला स्टेप इंस्टीट्यूशन को लेना है। और एक्रेडिटेशन काउंसिल भी थोड़ा सा रिलैक्स थी, वो भी बहुत ज्यादा टाइट नहीं थी, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे हमने इसके ऊपर काफी सारा नुकसान कर लिया, जिसकी तरफ डॉक्टर ताहिर साहब ने अभी ये इशारा किया है। यूनिवर्सिटीज चाहती है बेशुमार अटोनॉमी मिल जाए, लेकिन जहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात होती है वहाँ पे आके वो फंस हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्योंकि वो हमारा जो है सारा सेटअप यहाँ पे चल रहा है, फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जलसा होता है, जलूस होता है। डॉक्टर साहब बताइए, मैं इसमें दो चीज़ों, जिस तरह मेरे साथी फरमा रहे थे ना कि टीचर को कहना चाहिए, टीचर को स्टैंड अप होना चाहिए इसके लिए कि ये हम करना, इन ऑल रेस्पेक्ट। देखिए एच ई सी का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टीचर नहीं होता, एचईसी का एक्रीडेशन काउंसिल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस इंस्टीट्यूट का हेड, और उसको रेगुलरली लेटर लिखते हैं, वो मुझे भी आते हैं, ठीक है। वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट की रिस्पांसिबिलिटी है, टीचर की नहीं है। अगर टीचर कहे जी एक्रीडेशन करवानी है नहीं करवानी, तो उसका इतना से नहीं है जितना हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का, एक बात। दूसरा हम यहाँ जो है ना आज बैठे हैं दो चीज़ों के, एक तो एक साइड है ये, दूसरी साइड है कस्टमर, एक है सर्विस प्रोवाइडर है, एचईसी है, काउंसिल है, यूनिवर्सिटी है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरा कस्टमर है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। अगर एक कस्टमर को बहुत अच्छा फ्रूट ले मार्केट से सब्जी लेके जाता है, तो वो उसको पता चल जाता है कि ये इस शॉप से अगर मैं परचेज करूँगा तो ये घर में जाके मैं चेक करूँगा तो ये ख़राब निकले, तो वाई ही इज़ बाइंग फ्राम दैट शॉप, वाई नॉट द अदर जो जिसकी सब्जी सही है। तो इस आज हमें पेरेंट्स और स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन भी देनी है, जो एच ई सी मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में भी दे रहा होता है, कि आप उसी यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करें जहां फिर ये तमाम अदारे खुद से मजबूर हो जाएंगे एक्रीडेशन करवाने के लिए, अगर उन्होंने स्टूडेंट का इनटेक अपनी सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल लेनी है तो। सही कह रहे हैं, मेरा तो ये है कि अगर उसने देखना कि जैसे कि जी यूनिवर्सिटी बच्चों के इनटेक उनको फाइनेंशियल सस्टेनेबल की बात कर दे। मैं अपनी एग्जाम्पल, मेरे पास 1500 एप्लीकेशन आई हैं कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन में, 4 हमें हम करते हैं, मुझे एक्रीडेशन काउंसिल ने अलाउ 200 सीट की हैं, मैं 200 सीट से ऊपर एक एडमिशन नहीं मैंने किया, मैंने कि मैं उस पॉइंट से स्टेक हूँ कि हमने वही करना है जो बच्चों की बेहतरी के लिए, जो पेरेंट्स की बेहतरी के लिए, जो एजुकेशन की बेहतरी के लिए है। मैं 1500 ले सकता था, लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, आप इस वक्त हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, आप बात को समझते हैं, आप फ्यूचरिस्टिक भी, आपकी जो आँख है उसके ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन कई जो हैं वो इदारे ऐसे हैं कि उनके हेड्स या उनके, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं या पब्लिक सेक्टर के हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो आँख होती है, जो सोच होती है, वो बियॉन्ड नहीं देख रहे होते,
मोहित शम साहब, जरा बताइएगा इसके ऊपर। सर ऐसी है, अब देखें उस वक्त उसको चाहिए है कि जी ये कैसी मुझे रिटर्न कितना देगा। पहली बात तो ये, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे मैं उसका पहले, सर अगर तो हम एक इंस्टीट्यूशन में, बल्कि मैं आपसे मोहित शम साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कथा कलामी होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम डॉक्टर साहब की बात का जवाब दें। हमें एक आप बात पे आगे चलें, डॉक्टर साहब ने एक बड़ा सिग्निफिकेंट सवाल उठाया है कि हम एक सेक्टर पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक साइड पे जी, ठीक है ना। अब उसमें एक स्टेक होल्डर मेजर जो है वो स्टूडेंट है और उनके वालदैन है, वो वहाँ क्यों अट्रैक्ट होते हैं पहले ये बताइएगा ना। सर देखिए मैं उसी का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए हम कह रहे हैं कि जी एक इंस्टीट्यूशन को ठीक होना चाहिए, दूसरा पेरेंट्स को ठीक होना चाहिए। मैं इन भाई पेरेंट्स कैसे ठीक होंगे, मीडिया जो है जो मीडियम है जी हाँ, वहाँ वो ऐसी ऐसी एडवर्टीजमेंट देते हैं कि बस वो पता लगता है कि ये बस निकल के काम सारा ठीक हो जाएगा। सर जी मैं जिस इंस्टीट्यूशंस में सर्विंग कर रहा हूँ, मैं एज ए टीचर मुझे पता है कि जिस इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या दो नंबरियां हो रही हैं। मैं स्टैंड नहीं करता, मुझे पता है कि ये एड कैसे दे रहे हैं, मुझे पता है कि जिनके पास मैं वही तो कह रहा हूं ना, अट्रैक्ट तो वहीं से होंगे ना। वो देखिए वो मेजर प्लेयर वो हैं, वो रिएक्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेजर प्लेयर वो नहीं है ना। देखें एक मिनट, मैं मेरे को डॉक्टर साहब आप, मैं आप बताइएगा, मैं बताना चाहता हूं। मेजर प्लेयर फिर जो है इसका मतलब जो है जो वो मीडियम यूज कर रहे हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जो दरअसल स्टेक होल्डर है। देखें यूनिवर्सिटी तो वही है ना कि जैसा डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि भाई वो तो दुकान है, सौदा आपने खरीदना है ना वहां से जी, तो सौदा आप अंदर क्या लाते हैं? कहते हैं कि यार ये गंदा सौदा है, इसको ठीक करके बेचो। नहीं मैं यही तो हम बात करें, डॉक्टर साहब बताइएगा। ये जो पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी है ना, ये इस पर बहुत जरूरी है। देखिए कैसे क्या वजह, उसकी वजह क्या है। एचईसी की जो वेबसाइट है उस पर मुकम्मल एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन लिखी हुई, मैं आपको बताता हूँ। 260 प्लस यूनिवर्सिटीज जो हैं पाकिस्तान में लीगल हैं, 260 प्लस, 130 प्लस कैंपसेस जो हैं वो लीगल हैं, 146 कैंपसेस जो हैं वो इलीगल हैं, फेक हैं। पूरी डिटेल उसके ऊपर लिखी हुई है, प्रोविंस वाइज लिखी हुई है। एक तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। जाके फौरन देख ले कि मेरा बच्चा जिस यूनिवर्सिटीज में या सब कैंपस में या एफिलिएटेड कॉलेज में जा रहा है वो किसी वो कहीं इस लिस्ट में तो नहीं है। क्यों नहीं देखते? इलीगल में वो नहीं देखते। डिपार्टमेंट उस इंस्टीट्यूशन का डिपार्टमेंट हेड इंसान नहीं है वहाँ पे, जो फैकल्टी कर रही है उसको पता नहीं है। मैं एक होटल पे सर काम करता हूँ, मुझे पता है कि ये मुर्दा गुर्दी मुर्गी का गोश्त बेचता है, मैं क्यों जाऊँ पे जॉब करूंगा? प्रोग्राम लेवल पे आ जाए, पहले तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को देख लिया। अब उसमें अगर वो बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो फौरन ही जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट है उस पर चले जाए, वहाँ पे भी उन्होंने लिखा होगा कि इस यूनिवर्सिटीज़ का ये केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हमारे यहाँ एक्रेडिटेड है और आप बिल्कुल बगैर किसी फिक्र के अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। पूरे चार साल के बाद जब ये बच्चा जाएगा, इसकी डिग्री पीयूसी भी ओके करेगा और एचईसी भी करेगा। तो ये जो पेरेंट्स क्योंकि इस तरफ जाते नहीं है, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, हालांकि बच्चे का फ्यूचर होता है और उसके बाद फिर वो परेशान होते हैं। अच्छा, और आजकल तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वेबसाइट पे इवन यूनिवर्सिटीज की नेशनल रैंकिंग भी लिखी हुई है, इंटरनेशनल रैंकिंग भी लिखी हुई है, वो भी सारी देखी जा सकती है, वर्ल्ड की भी। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, हम अगर थोड़ा उसको कंक्लूड भी करते जाएं साथ साथ। अच्छा अब हम वाइंड अप करने लगे, मैं एक दो फिक्रे डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि ये एचएससी ने जो अभी इसको लाजमी करार दिया है, क्या आप तवक्को कर रहे हैं कि इसके जो इन फ्यूचर हमें इसका कोई मस्बत जो है चीज़ें सामने आएंगी? डेफिनेटली डेफिनेटली, आई एम 100% श्योर कि इसका बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट निकलेगा, क्योंकि जैसे फरमा रहे हैं ना कि टीचर या अदारा क्यों नहीं कर रहा, वहाँ टीचर जॉब छोड़ दें, ये कर आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो आज कर रहे हैं ना। आपकी बात दुरुस्त है, ये बहुत, मैं आपसे एक बता दूं कि हम आइंदा भी किसी उस पे बैठेंगे और इसकी पॉजिटिव जो साइड उसका, है, हम देखें 76 साल में हमने बहुत नेगेटिव कर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, हम हर चीज पहले स्टार्ट करते हैं उसकी नेगेटिविज्म से। हाँ। अब देखें इसमें भी एक मस्बत पहलू सामने आ रहा है डॉक्टर साहब, कि अगर देर आया दुरुस्त आया, अगर आज भी उसने किया है तो आइंदा 10 साल में 20 साल में, देखें एक प्रोग्राम जो है 4 साल का है, अब 4 साल बाद अगर वो प्रोग्राम एक्रीडिएटेड निकलता है तो हमारा जो एक्सपोजर है पॉजिटिव हो जाएगा ना? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह।
मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसका बहुत पॉजिटिव आस्पेक्ट है. आप देखिए ना, जब वो इस पे तमाम इंस्टीट्यूट जो एक्रेडिट नहीं है, आई डोंट नो कि मैं अपना तो बता सकता हूँ, बाकी का मुल्तान का तो हर बंदा जैसे मुल्तान का ना पूछिएगा डॉक्टर साहब. नहीं, वेबसाइट पे जो भी है वो वेबसाइट से इजी है. मुझे इजाजत दें, मैं मोहतशम साहब से एक मैसेज ले लूं. आपको मैसेज वन सेंटेंस में देता हूँ कि आज की इंफॉर्मेशन तमाम पेरेंट्स को और स्टूडेंट को चली गई है. वो नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल और HEC की वेबसाइट को लाजमी विजिट करें बिफोर गेटिंग एनी एडमिशन. तो जहां ये एक्रेडिटेड अदारे हैं उनमें इजीली जाके. बहुत अच्छी बात की मोहतशम साहब. सर, मेरे ख्याल में ये बड़ा जबरदस्त बड़ा जबरदस्त स्टेप्स है, ये होना चाहिए. लेकिन डॉक्टर साहब वाली बात को सेकंड करूंगा, जब तक ये ऑन बोर्ड नहीं होंगे इंस्टीट्यूशंस HEC और ये एक पेज पे नहीं होंगे, ये इतना इफेक्टिवली इसका रिजल्ट्स नहीं निकल सकता. गवर्नमेंट को भी चाहिए डॉक्टर साहब, ये एक पेज पे लाने के लिए आपने सजेशन तो दे दी, आप मुझे बताइएगा वन सेंटेंस के हमें क्या करना. मैंने बताया ना, बहुत सारी काउंसिल एक पेज पे HEC और काउंसिल और यूनिवर्सिटीज आ चुकी है. लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मामला वो रिलैक्स चल रहा था, जिसकी वजह से स्पेस थी यूनिवर्सिटीज को कि वो ठीक है एक्रेडिटेशन के बगैर बेहतरी की तरफ जाएंगे. अब तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं. आपका डॉक्टर ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहतशम तरीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गुलाम अली साहब स्पेशली आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू और हमारे जो प्रोग्राम इस वक्त देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं बातें, उनको पता लगा होगा. और मेरा ख्याल में ये वो लोग हैं जो बेसिकली हमने जिनकी बात की थी कि असल स्टेक होल्डर्स हैं, ये उन स्टूडेंट्स के वालिदैन हैं. उनको चाहिए कि जिस तरह यहाँ डॉक्टर गुलाम अली ने, मोहतशम तरीन साहब ने और डॉक्टर ताहिर साहब ने जो बात की कि आप जब अपने बच्चे को किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी डिसिप्लिन में दाखिल कराने जाएँ तो आप खुदा के लिए HEC का जो पूरा उनका वेबसाइट है मौजूद है उसके ऊपर पढ़ लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बेहतर है और किस डिसिप्लिन में वो बेहतर है. आप फिर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं, क्योंकि आप दुकान पे जैसा वो बता रहे थे चीज़ें लेने जाते हैं वो भी पूछते हैं, उसमें सूंघ के देखते हैं. तो ये भी सूंघ के आप देख लें कि आपका बच्चा जो है वो बेहतर तालीम हासिल करने के काबिल हो सके और माशरे में एक मस्बत किरदार भी अदा करे. इन नोट्स के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, शौकत अशफाक को इजाज़त दीजिएगा. इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते में एक बेहतर और अच्छे किसी टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे. अल्लाह.